शुक्र उदय हो रहे हैं, और शुक्र जब उदय होते हैं तो आपके लिए कुछ कुछ मुहूर्त खोल देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल की बात करते हैं कि हमने गाड़ी का पेंडिंग कर रखा था, हम नहीं ले पा रहे थे, हमने सारी बुकिंग करवा रखी थी लेकिन हम गाड़ी नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि जब कहते हैं कि श्री हरि शयन में जाते हैं तो हमारे सारे काम जो हैं वो स्टक हो जाते हैं, लेकिन उसी में अगर शुक्र अस्त हो, गुरु अस्त हो, फिर तो बिल्कुल ही नहीं काम कर सकते हैं। तो एटलीस्ट आपके लग्जरी के कारक, आपकी गाड़ियों के कारक, बड़ी बड़ी गाड़ियों के कारक, ये अस्त नहीं होने चाहिए अगर आपने अपनी गाड़ी खरीदनी है। फिर नौकरी की बात आती है कि नौकरी चेंज करना चाहते हैं, छोटे छोटे ऐसे कुछ काम जो आप करना चाहते हैं जिसे आप शुक्र उदय में कर सकते हैं, यानी खुल जाने वाले हैं थोड़े थोड़े मुहूर्त। कुछ कुछ मुहूर्त ही खुल जाए तो रिलैक्स तो मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें जब बंद हो जाएँ तो ऐसे लगता है कुछ करते ही नहीं अब हम। और शुक्र उदय जब हो रहे हैं, जब 18 तारीख को इनका शुक्र उदय का प्रभाव आपके ऊपर शुरू हो जाएगा, यानी 18 अगस्त को शुक्र उदय हो रहे हैं, तो इसका प्रभाव जैसे ही आपके ऊपर पड़ेगा तो आप अपनी बहुत सारी चीज़ों को कर सकते हैं। सबसे पहले तो होड़ लग जाएगी गाड़ी बाइक स्कूटर खरीदने वालों की। हाँ, डेफिनेटली आप खरीद सकते हैं, लेकिन उसमें भी आप थोड़ा सा मुहूर्त ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि जब हरिशयन चल रहे होते हैं तो उस समय हमें मुहूर्त देखने की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मुहूर्त देखने के बावजूद भी जब मुख्य प्लेनेट अस्त होते हैं तो हम चीज़ें नहीं खरीद पाते हैं। इसीलिए कि शुक्र उदय हैं, उदय हो रहे हैं, तो आप उस समय मुहूर्त देख करके गाड़ी खरीद सकते हैं। फिर छोटी छोटी और भी चीज़ें, मुहूर्त जब खुलते हैं तो हमारी बहुत सारी एनर्जी, जैसे बहुत सारे लोग हैं शादी के कपड़े खरीद रहे होते हैं, उन्होंने शुरू में बीच में खरीदे होते हैं, स्टार्टिंग कर चुके होते हैं, लेकिन अस्त शुक्र में उनको वहम हो जाता है कि हमने नहीं खरीदना। वहम की बात नहीं है, ये वो प्लेनेट हो तो जो आपकी खुशियों का प्लेनेट होता है, आपकी सुख सुविधाओं का प्लेनेट होता है, और इस प्लेनेट का अस्त होना जो होता है वो कहीं ना कहीं दिक्कत करता है। और जब शुभता की बात आती है, शुभता के कार्यों के लिए बात आती है, कोई चीज़ ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, कर रहे हैं, तो उस समय खास करके शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए। शुक्र शादी के कारक भी माने जाते हैं, पति पत्नी के बीच में संबंधों के कारक माने जाते हैं, पति पत्नी में प्यार के कारक माने जाते हैं। और जब अच्छी शुभता की चीज़ें आप खरीद रहे हैं और ऐसे में शुक्र अस्त हों तो उन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। लेकिन 18 तारीख को शुक्र उदय हो रहे हैं तो आप, जैसे शादी की पेंडिंग शॉपिंग है, कुछ चीज़ें बुकिंग करानी होती है आप लोगों को, जहां मैरिज करनी होती है और वहां की बुकिंग है, कई सारी ऐसे चीज़ें जो शादी से जुड़ी हुई होती हैं, आप मुहूर्त ज़रूर देखें, ये हम ज़रूर कहेंगे, एक्सेप्शनल चीज़ें जो होती हैं वो ज़रूर देखनी चाहिए। मुहूर्त देख करके शुक्र उदय में उन सारी शॉपिंग को, सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं आप, मुहूर्त देख करके, बिना मुहूर्त देखे नहीं। लेकिन हाँ, गाड़ी बेझिझक खरीद सकते हैं, लेकिन मुहूर्त उसमें भी देख लीजिए, शादी की शॉपिंग कर सकते हैं, मुहूर्त उसमें भी देख लीजिए, कुछ कुछ चीज़ें बुकिंग करानी होती हैं वो भी आप थोड़ा सा अगर मुहूर्त देख करके आप कर लेते हैं, क्योंकि मुहूर्त खुल रहे हैं, शुक्र उदय में मुहूर्त खुलते हैं, कुछ पर्टिकुलर डे में कुछ कुछ समय ऐसे होते हैं जहां आप ये चीज़ें कर सकते हैं, तो है ना अच्छी बात, और पते की बात, और आपका काम भी हो सकता है जो काफ़ी समय से पेंडिंग भी चल रहा था, तो उदय शुक्र में आप इन कार्यों को कर सकते हैं। सो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर पहुँचाइएगा, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें, पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।